हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे ना। इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 16th ऑफ अक्टूबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट डेज को एनालाइज किया था, इस लेवल्स के आसपास ही यहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। और आज के दिन गैप ओपन के बाद बहुत ही सही तरीके से ऊपर भी गया, नीचे भी गया और बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में हम लोगों को यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए होंगे। इन दोनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक ट्रेंड लाइन हमारे पास आराम से आ जाएगा एंड उस ट्रेंड लाइन को हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और ओके। तो अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारा ट्रेंड लाइन इस तरीके से आएगा इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके। अभी क्या हुआ है, आज के दिन यहीं से रेजिस्टेंस लिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लगभग लगभग हमें 3123 का जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, 3123 के पहले आज का जो स्विंग है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब 3100 का ब्रेकआउट मिलेगा तो नेक्स्ट लेवल 3123 के आसपास का होगा एंड उसके बाद का लेवल 3146 के आसपास होगा। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर जब तक हमारा अभी फिलहाल जो स्विंग लगा है 3017 का, ये जब तक इंटैक्ट है तब तक नीचे की यहाँ पे इसके गिरने की फॉल होने की प्रॉबिलिटी कम है। अगर ये इन लेवल्स के आसपास अगेन आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होकर फिर से इसी ट्रेंड लाइन को जाके हिट कर सकता है एंड जब भी ट्रेंड लाइन के साथ 3100 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर के लेवल्स की प्लानिंग फिर से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।